अंदर से अलग ही फीलिंग था। डर सा लग रहा था कि शायद मैं उसे पसंद आऊँगा या नहीं। तस्वीर में ही उसे मैंने देखा है, सामने से कैसी दिखती होगी, क्या क्या पसंद होगा उसे। यार मैं सच बोलूँ तो मुझे प्रीति की फ़ोटो बड़ी पसंद आई थी। अरेंज मैरिज में इतनी सुंदर लड़की मिलने की उम्मीद तो नहीं थी मुझे, पर शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने पुराने जन्मों में। तो फाइनली 28 फेब 2021 जब हमारी पहली मुलाकात हुई, मैं भैया भाभी मम्मी पापा और आरवी अपने घर से निकल चुके थे। पूरी रात मैं सोया ही नहीं, रात भर दीदी लोग से बात कर रहा था कि क्या बोलूँगा मैं, कुछ लेकर जाना चाहिए उसके लिए, पर क्या सोचेंगे। तो मैंने बस एक डेरी मिल्क का टॉफ़ी ले लिया और अपने कोट के पॉकेट में रख लिया। कार की खिड़की से बाहर देखता मैं पूरे रास्ते बस यही सोचा जा रहा था कि मैं उसे पसंद आऊँगा या नहीं। हम पहुँच चुके थे होटल और मैंने पूछा भाभी से, प्रीति पसंद करेगी ना मुझे। भाभी बोली, आप हीरो हैं, आपको कैसे कोई ना कर सकता है। पर फिर भी मैं अंदर से नर्वस था। जैसे ही रूम घुसा मेरी पहली नज़र उस पर पड़ी। हाय, इतनी सुंदर लग रही थी प्रीति, पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया था। ब्लू ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसी समय मैं सोच लिया था कि मेरी तरफ से तो हाँ है। लंच टेबल पे बस मैं उसे ही देखा जा रहा था चुप चुप के। फिर बारी आई, जाओ तुम लोग बात करो अकेले। हम गए लॉन में। प्रीति पूरी डरी हुई थी और नर्वस थी काफ़ी। फिर मैंने उसे थोड़ा कंफर्टेबल कराया, फिर हमारा सिंपल सा बात शुरू हुआ। वो पूछते हैं ना फेवरेट्स, मैंने पूछा। बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो पल अलग ही था, अलग ही फीलिंग थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। उतनी बातें नहीं हुई पर जितनी भी हुई अच्छी थी। मैं बस उसे ही देख रहा था। मैंने उसी वक्त प्रीति को बोल दिया कि मेरे तरफ से हाँ है, मुझे तुम पसंद हो। और फिर हम लोग को निकलना था वापस घर के लिए। मुझे अचानक से याद आया कि मैंने तो टॉफ़ी लाया था प्रीति के लिए, देना तो भूल ही गया। मेरे कोट के पॉकेट में टॉफ़ी पूरा पिघल चुका था। फिर मैंने उसे बुलाया और बोला, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाया हूँ, ये लो। उसने बोला कि मुझे टॉफ़ी उतना पसंद नहीं। मैंने बोला, अच्छा बाबा, अभी तो मैं यही लाया हूँ, रख लो, वापस तो नहीं ले जा सकता ना। फिर वो रखी टॉफ़ी। बाद में पता चला कि उसे डेरी मिल्क में सिर्फ फ्रूट्स एंड नट्स वाले फ्लेवर पसंद है। मन ही नहीं कर रहा था वापस घर आने का, लग रहा था कि कुछ और पल मिल जाता बात करने को, पर क्या करें, उसी दिन वापस आना था। आंखें बस उसे ही देखना चाहता था। कार की खिड़की से हाथ निकाल के उसे बाय किया और घर की ओर बढ़ गया। ये थी हमारी पहली मुलाकात का किस्सा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखो एंड कीप इंस्पायरिंग।